सो हे एवरीवन, मेरे फर्स्ट ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे अभी हम चर्रकिला में हैं। पंडरसली से मुझे आना था यहाँ तक, तो पंडरसली से आने के लिए मुझे यहाँ छोटा हाथी से आना पड़ा। आप लोग क्या कहते हैं उसे, सवारी गाड़ी एक होता है छोटा हाथी। आज हम लोग जा रहे हैं जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज। ये मेरा अपना कॉलेज है, जिसे हम JCC के नाम से भी जानते हैं। तो या जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अभी हम सरायकेला में हैं और ये हमारा बस आ चुका है। हम लोग बस में बैठ जाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉप में। सो फाइनली हम लोग बस से उतर चुके हैं। अभी यहाँ से मेरा 1 से 1.5 किलोमीटर दूर होगा कॉलेज। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे अभी डायमंड पार्क जगह है, आप लोग देख सकते हैं। इसे कोई कोई मोदी पार्क भी बोलता है। जैसे मैंने कहा, यहाँ से अभी 1 से 1.5 किलोमीटर होगा, उतना तो हम लोग चल ही सकते हैं। एक और चीज़ दिखाना आप सबको, आप लोग देख सकते हैं वहाँ जो रेड कलर का दिख रहा है ना, ये जमशेदपुर FC का फुटबॉल क्लब है। तो वहाँ पे JRD कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको। ISL में जो टीम पार्टिसिपेट करता है जमशेदपुर की तरफ से, वो यहीं का टीम है। और यहीं पे जो ISL में मैच होता है जमशेदपुर में, वो यहीं पे होता है। तो अगर आप लोग को जमशेदपुर में मैच देखना है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक पिरामिड टाइप से कुछ बना हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग फोटो वोटो खिंचा सकते हैं। ये हम लोग का कोऑपरेटिव कॉलेज से बहुत ही नज़दीक पड़ता है। अराउंड यहाँ से लगभग 500 मीटर दूरी में हम लोग का कोऑपरेटिव कॉलेज है, और ये रास्ता हम लोग का कोऑपरेटिव कॉलेज जाता है। सो या हम फाइनली पहुँच चुके हैं अपना कोऑपरेटिव कॉलेज। नहीं नहीं, वो इधर नहीं, इधर है हम लोग का कॉलेज। हाँ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर गार्ड भैया लोग बैठा हुआ है। इधर सामने मैदान है और इधर सामने कॉलेज है। यहाँ से भी लगभग 100 मीटर दूर होगा। मैदान में कुछ गेम चल रहा है, इधर क्रिकेट मैच। मैदान पार करने के बाद आप लोग को दो रास्ता मिलेगा। यहाँ से भी आप सामने से जा सकते हैं कॉलेज, और यहाँ सामने और सामने है, वहाँ से भी जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ स्टोर लगता है, आइसक्रीम, चना मसाला, इडली, और गेट के बाहर डोसा वगैरह भी नाश्ते में मिल जाता है। और कॉलेज में भी वैसे कैंटीन सब है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं आप सबको एक कॉलेज का वीडियो शॉट दिखाता हूँ। तो अभी ऐसे बहुत बोरिंग लग रहा है, मेरा दोस्त भी नहीं आ रहा अभी तक। कहाँ है, क्या बोल रहा, क्या है, चार से बात करना है बोल रहा है। तो अभी यहाँ पे मैं थोड़ा देर, यहाँ पीछे क्रिकेट मैच चल रहा है, वहाँ टाइम पास करके यहाँ अभी कॉलेज की ओर बढ़ रहा हूँ। क्लास का टाइम भी हो जा रहा है, टॉपिक खोल देते हैं यार। क्लास की ओर मैं बढ़ रहा हूँ, क्लास का टाइम भी हो जा रहा है, इसका वेट करते हैं थोड़ा देर क्लास के बाहर, फिर देखते हैं
आप आता है कि नहीं, आएंगे तो बोल रहे। ठीक है, चलिए मिलते हैं क्लासरूम तरफ में। हम बता दें कि नहीं हम यूट्यूब चैनल एक खोले खोल लिए भाई। अरे ब्रो हम इसीलिए तुम बोल रहे थे जल्दी आओ जल्दी आओ। ओह भाई तो कुछ रिएक्शन था अपने इंट्रोड्यूस कर रहा है देंगे। हाँ मैं सिर्फ हाँ दिस इज रोहित कुमार। हाँ मेरा कोऑपरेटिव कॉलेज का मित्र क्लास तो नहीं हो रहा है अभी, एडमिट कार्ड में स्टंप करा लेते हम लोग। सर एडमिट कार्ड में साइन करना है, साइन कराना है एडमिट कार्ड में। बाईस नंबर ऊपर तो बोलो कुछ। क्या बोले यार, बहुत मुश्किल है यार। इतना लेट क्यों हुआ है? मैं इतना लेट से वेट कर रहे हैं तेरा। ऑटो वाला ना पूरा एक घंटा पहले पहुंच गए थे हम कॉलेज बाहर क्लास का। क्या ही कर सकते हैं, ऑटो वाला पूरा लेट करा दिया। कुछ किया जा सकता है क्या? अब बाइक तो नहीं है, नहीं अमीर आदमी तो है नहीं हम लोग। अच्छा बाइक से आएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। अपन लोग को ऑटो से काम चलाना पड़ेगा। अब 22 नंबर किधर है ढूंढना पड़ेगा। ऊपर बोला ना, बोला तो अभी हम लोग जा रहे हैं एडमिट कार्ड में साइन कराने प्रिंसिपल का। 8 तारीख से हम लोग का एग्जाम है। क्या ख्याल है भाई, एग्जाम 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 का क्या ख्याल है, कैसे चल रहा तैयारी? तैयारी तो वही चल रहा है, एग्जाम हो रहा है। इधर एग्जाम भी चल रहा है कुछ कुछ लोग का कॉलेज में। 14-15-23 बगल में यहाँ पे, यहीं पे ना, यहीं पे हो रहा है हम लोग का एडमिट कार्ड सिग्नेचर। कोई देख रहा है तो अगर कोऑपरेटिव कॉलेज से 22 नंबर रूम में हम लोग का 8 तारीख से जो एग्जाम होगा उसका एडमिट कार्ड में साइन हो रहा है। तो ये रहा तुम्हारा भाई, अच्छा लग रहा है ना भाई? अरे हीरो है तुम तो। का तुम्हारा दिखाओ, दिखाओ स्मार्ट एकदम हीरो कितना बॉय। साइन करा लेते हैं जल्दी से। सो या हम लोग का एक तो काम पूरा हो चुका है, कम से कम एक क्लास तो नहीं हुआ, एक तो क्लास तो नहीं हुआ, कम से कम एडमिट कार्ड में कम से कम साइन तो हो गया। तो अभी हम लोग कॉलेज से बाहर निकलेंगे, कुछ करना नहीं है कॉलेज में, सीधा घर भागना है अभी। तो हमारे साथ एक और शख्स जुड़ गए, हमारे छोटा भाई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो इनका नाम भी यशवंत है, तो ये यहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं हम लोग से 4 साल ना, 4 साल जूनियर है। हाँ तो यही हॉस्टल में रहते हैं, यहाँ पे कॉलेज करते हैं इंटर में अभी। तो अभी कहाँ जा रहे हो? अभी साक्षी। साक्षी तो यहाँ से कुछ छोलो का प्रोग्राम है शायद, साक्षी की और बढ़ते हैं। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट बार ना। तो भाई लोगों से मैं बिता लेते हुए मैं अभी निकल रहा हूँ घर की ओर। सबसे पहले अभी मैं जुबली पार्क क्रॉस कर रहा हूँ, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। हाँ यहाँ अभी मैं जुबली पार्क क्रॉस करूँगा, साक्षी जाऊँगा, साक्षी से ऑटो पकड़ कर मैं स्टेशन जाऊँगा और ट्रेन से जाऊंगा घर। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्यू में, आप लोग बने रहिए। स्टेशन स्टेशन स्टेशन। डेमो पंडा सली हम लोगों ने टिकट ले लिया है। अब हम लोग जाएंगे सीधा प्लेटफॉर्म नंबर 3 जहाँ पे हम लोग का ट्रेन आएगा। ये
ये है जमशेदपुर रेलवे स्टेशन, स्टेशन नहीं जंक्शन। ये रहा प्लेटफॉर्म नंबर 3, 2 एंड 3। ये रहा हमारा ट्रेन। बस से जाने से 100 रुपये लग जाता है, लेकिन आप लोग यहाँ देख सकते हैं केवल 15 रुपये में हम लोग का काम निपट गया है। तो सबसे पहले तो अभी सीट खोज लेते हैं, कोई अच्छा सा सीट मिल जाए। Hours later. तो यह मेरा गांव से सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन है, हम लोग यहाँ पर उतर चुके हैं। तो अभी हम लोग सीधा घर की ओर जाएंगे, मेरा भाई लेने आ रहा है मेरे को। तो आज का सफ़र यहीं तक रहेगा। और पिछले वीडियो में मैंने पूछा था MT का क्या अर्थ है, आप लोगों ने बताया नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट किया नहीं। फिर भी कुछ लोगों ने ऐसे ही मुझे फ़ोन कॉल से बोला, कोई तो बोल रहा था मस्त बोए, महा टर्की बोए, ऐसा कुछ। तो मैं उस MT का अर्थ बताना चाहता हूँ। तो उस MT का अर्थ है, मेरे ख्याल से आप लोग को लगता है ये पता नहीं, बस मेरे को लगता है उस MT का अर्थ है मल्टी टैलेंटेड बॉय। मतलब मैं अपने आप को थोड़ा सा हल्का फुल्का मैं मल्टी टैलेंटेड मानता हूँ। हाँ, सब कुछ मैं अच्छा नहीं हूँ, परफेक्ट नहीं हूँ, बट हाँ सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसा लगता है मेरे को। आप लोग बताइए, आगे वीडियो सब आते रहेगा, उसके हिसाब से ठीक है या नहीं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए See you. Bye-bye.